Assalamualaikum guys and welcome back to my channel Learning with Amna. Guys, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर पर. आप में से अक्सर लोग जो हैं वो ये सोच रहे होंगे, टाइटल और थंबनेल से अंदाजा लगा लिया होगा कि बड़ा ही इजी सा टॉपिक है, इसको देखने की जरूरत नहीं है. लेकिन मैं आज के लेक्चर में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगी, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो आप में से अक्सर लोगों को मालूम शायद ना हो. गाइस, हमें चाइल्डहुड से बताया जाता है कि जो बॉय है वो मैस्कुलिन होता है और जो गर्ल होती है वो फेमिनिन की कैटेगरी में आती है. ठीक है, यानी मुजक्कर मोनस हम उसको उर्दू लैंग्वेज में बोलते हैं. इसी तरह हम बात करें कॉक की, तो कॉक मुर्गे को बोलते हैं और हैन जो है वो मुर्गी होती है, यानी फेमिनिन होती है. मैस्कुलिन हो गया कॉक और फेमिनिन होगी हैन. ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम जो है वो उर्दू लैंग्वेज से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये मैस्कुलिन में आता है और ये जो है वो फेमिनिन में चीज़ आती है. जैसे अगर हम बात करें टाइम की, वक्त की, तो हम कहते हैं टाइम हो गया है, हम ये नहीं कहते टाइम हो गई है. तो हम उर्दू लैंग्वेज से ये गेस कर लेते हैं कि टाइम जो है, वक्त जो है, वो एक मैस्कुलिन जेंडर है. जबकि अगर हम होगी का कोई वर्ड किसी के लिए सेंटेंस में यूज़ करें तो हम इसको फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में डालते हैं. ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनसे हम गेस कर लेते हैं. लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे मौजूद हैं जिनसे हम अंदाजा नहीं लगा पाते कि ये मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में आते हैं या फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में आते हैं. ये अक्सर जो है वो बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है और अक्सर बच्चों को कंफ्यूज कर देता है. तो मैं आज के इस लेक्चर में आपको मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर के बारे में कुछ जो है वो कुछ न्यू चीजें जो है वो सिखाने जा रही हूं. अगर आप चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो है वो टाइम पर मिल सके. चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले मैस्कुलिन जेंडर की. मैस्कुलिन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वॉयलेंस. स्ट्रेंथ होती है मजबूती और वॉयलेंस होता है तशद्दुद. ठीक है, आपने देखा होगा कि टेलीविजन पर जो है वो अक्सर जो है वो मेल्स को दिखाया जाता है कि वो डोमिनेंट है, वॉयलेंस क्रिएट कर रहे हैं, मतलब तशद्दुद जो है वो करते दिखाई देते हैं औरतों पर. ठीक है, तो मैस्कुलिन जेंडर को हम जो है वो स्ट्रेंथ और वॉयलेंस के नाम से जो है वो जानते हैं. ठीक है, यानी अगर हम सन की बात करें तो सन एक सूरज है. ठीक है, सन हम सूरज को बोलते हैं जो कि हीट देता है, तपिश देता है. ठीक है, जो कि एक नेगेटिव चीज की कैटेगरी में आ जाती है. तो सन को हम मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में डालेंगे क्योंकि मैंने आपको मैस्कुलिन जेंडर की डेफिनेशन बताई थी कि जो चीज स्ट्रेंथ और वॉयलेंस क्रिएट करे तो उसको हम मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में डालते हैं. ठीक है, इसी तरह समर जो सीजन होता है, समर हम बोलते हैं गर्मियों को. तो गर्मियां जो है वो एक नेगेटिव चीज जो है वो शो कर रही है, तो समर भी जो है वो एक मैस्कुलिन जेंडर है. विंटर की बात करें तो विंटर सीजन में सर्दी होती है, तो इसको भी हम जो है वो मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में डालते हैं. इसी तरह जो है वो टाइम, वक्त, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि टाइम होता है, टाइम जो है इतना हो गया है, हम नहीं कहते कि हो गई है. ठीक है, डेथ के लिए हम यूज करते हैं समटाइम्स, लेकिन डेथ को हम जो है वो मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में डालते हैं क्योंकि डेथ जो है वो एक हर एक के साथ होती है, जो कि एक वॉयलेंस के जो है वो कैटेगरी में हम इसको डालते हैं, इसलिए हम डेथ को जो है वो मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में डालेंगे. ठीक है, फाइन, मैं दोबारा रिपीट करती चलूँ. मैस्कुलिन जेंडर जो हैं ऐसे होते हैं जो स्ट्रेंथ को, मजबूती को और वॉयलेंस को क्रिएट करते हैं. ठीक है, अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स डोमिनेंट होते हैं. अक्सर टेलीविजन पर जो है आपको जो है वो मेल्स के बारे में ज़्यादा जो है वो न्यूज़ जो है वो देखने को, पढ़ने को, जो है वो सुनने को मिलेगी कि मेल्स ने जो है वो ये कर दिया, वो कर दिया. ठीक है, तो आपने जो है वो मैस्कुलिन जेंडर के हवाले से ये बात याद रखनी है. ये वर्ड्स जो हैं ये मैस्कुलिन जेंडर्स की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फेमिनिन जेंडर की.
गैस आपने जो है वो टीवी पर एड्स देखे होंगे, मुख्तलिफ एड्स जो है वो चलते हैं, क्रीम्स के एड चलते हैं, डिफरेंट चीज़ों के एड चलते हैं जिसमें ब्यूटी को शो किया जाता है। तो जो लेडी होती है, जो औरत होती है, उसको जो है वो ब्यूटी जो है वो उसकी दिखाई जाती है कि औरत जो होती है उस वो खूबसूरत होती है, ठीक है। जबकि अगर आप देखें तो मैन को जो है वो उस तरह से ब्यूटी के लिए एड्स में बहुत कम रखा जाता है। अक्सर आप सोप के एड्स देखें तो सोप में भी जो है वो लेडीज आ रही होती हैं, ठीक है, तो वो जो है वो ब्यूटी को शो कर रही होती हैं कि जो औरतें होती हैं वो खूबसूरत होती हैं, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं गाइस जिनको हम फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में डालते हैं, वो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, चलिए देखते हैं। मून, चांद जो होता है वो खूबसूरती के लिए है, तो हम चांद को, मून को फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में डालते हैं। अर्थ जो है, जमीन जो है, उसको हम फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में डालते हैं। स्प्रिंग, ऑटम, बहार, खजां का जो मौसम होता है ये अच्छा होता है, ठीक है, ना इसमें सर्दी होती है ज़्यादा ना गर्मी होती है, ठीक है, नॉर्मल जो है ये वेदर होता है। स्प्रिंग और ऑटम की बात कर रही हूँ तो हम इन दोनों को जो है वो फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में डालते हैं। इसी तरह नेचर जो है वो खूबसूरत होती है, ठीक है, तो हम नेचर को भी जो है वो फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में डालते हैं। लिबर्टी, आज़ादी, जस्टिस, इंसाफ, मर्सी, रहम करना, ठीक है, पीस, अमन, होप, चैरिटी, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं गाइस जो कि फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये सारे वर्ड्स हैं वो उनमें से कुछ वर्ड्स ब्यूटी को शो कर रहे हैं, इनमें से कुछ वर्ड्स हैं वो पॉजिटिव चीज़ों को शो कर रहे हैं। जो चीज़ पॉजिटिव को शो करे और जो चीज़ ब्यूटी को शो करे, ठीक है, उसको हम फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में डालेंगे। जबकि मेल्स की बात करें तो मेल्स, मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये स्ट्रेंथ, मजबूती को और तशद्दुद को, वायलेंस को क्रिएट करते हैं, तो ऐसे वर्ड्स जो वायलेंस में आए, स्ट्रेंथ में आए, ठीक है, उनको हम मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में डालेंगे। आई थिंक आपको जो है वो मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम नॉलेज पहुंचा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।